एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 तारीख और आज हम सभी लोग जो है जा रहे हैं माता जी का धाम है नैना देवी माता जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित हैं। तो हम लोग वहां जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, हम सब लोग जो है ट्रेन से जाएंगे। हम सभी लोग जो है आप जा रहे हैं बाय ट्रेन जा रहे हैं हम लोग। तो वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि 4 व्हीलर करके बुक करके जाएंगे, बट जो है उसमें थोड़ा सा वॉमिटिंग का इशू रहता है काफ़ी लोगों को, तो इसीलिए हम लोग जो है बाय ट्रेन जा रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम था तो इसलिए थोड़ा सा रश था ट्रेन में। पर आ चुकी है धन्यवाद, तू पूरा रास्ता मस्ती कर चलो गंजू। नैना देवी माता के दर्शन करने के लिए जो ट्रेन जाती है डायरेक्ट वो आनंदपुर साहिब तक जाती है, तो हमारी भी ट्रेन वहीं तक थी। हम लोग अब यहाँ पहुँच गए हैं, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है जहाँ पे, वहीं पे ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे उतर के फिर हम लोगों ने 4 व्हीलर बुक किया था, तो अब 4 व्हीलर में जो है हम लोग बैठ के जो है अब जा रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर का नहीं है, थोड़ी दूर का रास्ता है नैना देवी माता के दर्शन के लिए। सो अब हम सब लोग जो है जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सभी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और फैमिली रिलेटेड ब्लॉग्स। सो अगर आप सभी लोगों को ऐसे ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, ऐसे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अभी हम सब लोग जो हैं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गाँव हैं वहाँ से काफ़ी लोग आए हुए हैं गेस्ट, तो सभी लोग जो है अभी यहाँ पे काफ़ी जगह हम लोगों को जाना है। अभी तो हम लोग यहाँ नैना देवी माता के मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए, इसके बाद हमें और भी जगह जाना है। तो वो हम कहाँ जाएंगे वो सब आपको जो है वीडियो आप मेरी देखेंगे रेगुलर, तो आपको पता चलता रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी जी ने मन्नत मांगी हुई थी, तो यहाँ पे जो है मम्मी जी ने छत्र चढ़ाने थे। नैना देवी जो माता जी हैं उनको चांदी का छत्र जो होता है वो मन्नत मांगी हुई थी, वही चढ़ाने के लिए हम लोग जो है जा रहे हैं। और यूवी का यहाँ पे बाल भी थोड़े से कटवाने थे, सो साल भर के अंदर अंदर हमें यूवी के बाल जो है जहाँ जहाँ मन्नत मांगी हुई है कटवा देने हैं, क्योंकि साल भर के बाद हमें नहीं करना होता, फिर सीधा डायरेक्ट 3रे साल में करने होते हैं, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं सभी जगह। और अब हम सभी लोग पहुंच गए हैं जहां से अब हमें चढ़ाई करनी है माता जी के भवन के लिए। सो सभी लोग जो हैं अब धीरे 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 यहाँ से चढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, जैसे कि वैष्णो माता जी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी होती है, यहाँ पे उतनी नहीं है, तो इसलिए जो है अब सभी लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं यहाँ पे आराम से। काफ़ी मतलब हमारे साथ जो हैं एजेड लोग हैं, तो हमें भी उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आराम आराम से जो है चढ़ाई करनी थी। Thank you.
वैसे माता रानी की ये कृपा ही थी क्योंकि हमें वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, जैसा कि जो है सावन में या नवरात्रों में जो है देखने को मिलती है। सो अभी हम लोगों को जो है अच्छे से दर्शन हो गए थे बहुत ही बढ़िया तरीके से, और अब हम सभी लोग जो है दर्शन करने के बाद, लंगर चखने के बाद, अब हम सभी लोग जो है वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा दर्शन तो करा दी। हल यो वी मेला नैना देवी घूम रहा है भाई। वैसे यहाँ पे जो है उड़न खटोला जिसको कहते हैं उसकी भी सुविधा अवेलेबल थी, अगर जो यात्री नहीं पैदल सफ़र कर सकते हैं तो वो इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग तो जो है पैदल ही यात्रा करके आ गए थे, इसलिए जो है हमें इस सुविधा की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे जिनको ज़रूरत है वो ये सुविधा भी ले सकते हैं। बाबू ए भाई भाई नैना देवी माता के दर्शन करने के बाद जो है वापस आते वक्त हम लोग की जो ट्रेन थी वो लेट थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है वहाँ पे आनंदपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ पर मत्था टेक कर फिर उसके बाद हमारी ट्रेन है, तो हम लोग फिर मत्था टेकने के बाद जो है उसके बाद ट्रेन पकड़ के जाएंगे। सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा और जो है इतना अच्छा लग रहा था, जो हम लोग शाम के समय पहुँचे थे तो नाइट का जो व्यू है वो तो देखने ही लायक है। ज़रूर आप सभी लोगों को भी एक बार जो है जाना चाहिए, जो लोग नहीं गए हैं, जो लोग तो गए हैं वो तो जानते होंगे कि कितना अच्छा है वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर और जो वहाँ का जो वातावरण है, एकदम शांति मिलती है मन को। तो गाइस कैसी लगी आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो? अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।